हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ क्या होता है, और उसमें हमने ये देखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज़ डिनोटेड एज स्मॉल जी. तो हमने देखा था कि अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होता है, उसके अर्थ के अंदर जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है. हमने ये देखा था कि जी का वैल्यू अंदर जो होता है वो लिनियरली क्या होता है, सेंटर पे जीरो होगा और उसके बाद लिनियरली इंक्रीज होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है और फिर क्या होता है, डिक्रीज करता है नॉन लिनियरली. ठीक है, आई मीन सरफेस पे जो जी का वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, आई मीन जी का वैल्यू जो अर्थ का है वो कैसे चेंज होता है, हाइट के अनुसार कैसे चेंज होगा. जब यहाँ मैंने ये लिखा है, जैसे देखो वेरिएशन ऑफ जी हमने लिखा है, तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट. हाइट का मतलब क्या हुआ, अर्थ के सरफेस से. अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं तो जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, चेंज होता है. आई मीन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उसके बारे में कैसे इंक्रीज होता है कैसे डिक्रीज होता है उसके बारे में हम उसको देखेंगे. ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, अर्थ के सरफेस पे जी होता है और ये जी कितना होता है, मैंने बताया था बेटा ये कि जी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ अर्थ इंटू जी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ द होल स्क्वायर, ये बताया था आप लोग. ठीक है, तो हाइट के अनुसार हाइट क्या होगा, जैसे जैसे आप अप जाओगे उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा जी चेंज. उसी तरह मैंने लिखा है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ. डेप्थ का मतलब क्या है कि अर्थ के सरफेस से जब आप नीचे जाओगे तो जी का वैल्यू कैसे चेंज होगा. उसके बाद वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. जी का बेसिकली क्या होता है, हम ये मानते हैं कि जी क्या अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, लेकिन स्फेरिकल होता नहीं है. समझ में आया ना, अर्थ इज नॉट स्फेरिकल. अर्थ का जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल नहीं है. आगे हम देखेंगे कि दो तरह के रेडियस होते हैं, एक तो पोलर रेडियस होता है और इक्वेटोरियल रेडियस होता है, दोनों में कुछ रिलेशन होता है. ठीक है, तो उसके बाद जी का जो वैल्यू होता है वो अर्थ के रोटेशनल मोशन के वजह से, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करती है तो उसके वजह से भी जी क्या होता है, इफेक्टेड होता है. तो कैसे चेंज होता है उसके बारे में हम देखेंगे. उससे पहले मैंने यहाँ हम जनरल प्लानट कंसीडर किया है, तो किसी भी प्लानट के सरफेस पे जो जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ प्लानट लिख देता हूँ, यहाँ कोई भी प्लानट हो सकता है. ठीक है, तो जी ऑन एनी प्लानट विल बी इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द प्लानट डिवाइडेड बाई क्या होगा, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ द क्या होगा, प्लानट. समझ में आया ना. अब इसको हम डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं कि मास इक्वल टू आपको मालूम है रो इंटू क्या होता है, वॉल्यूम होता है. तो जी जो होता है डेंसिटी के टर्म में किसी भी प्लानट पे क्या होगा, यदि डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो तो देखो ये ध्यान रखना है कि वेरिएशन ऑफ जी ऑन एनी प्लानट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, किसी भी प्लानट पे जो जी का जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, सेंटर पे जो होगा, आई मीन इनसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, आई मीन सरफेस पे वो क्या हो जाएगा, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट प्लानट को कंसीडर करोगे, इनसाइड नहीं, हमने ये रेडियस लिया है, तो हम बोल सकते हैं कि प्लानट का जैसे जैसे आप रेडियस क्या करोगे बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, जी का जो सरफेस पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, चेंज होता जाएगा. समझ में आया ना, यहाँ हमने क्या मान लिया, रो कॉन्स्टेंट मान लिया. ठीक है, समझ में आया ना. तो यहाँ हमने क्या लिखा, रेडियस ऑफ द प्लानट और जी ऑन द क्या होगा, सरफेस ऑफ द प्लानट. ये भी हो सकता है कि हम क्या करें, तो यहाँ हमने लिखा है जी ऑन एनी प्लानट वर्सेस हमने क्या किया है, रेडियस ऑफ द प्लानट ग्राफ. यहाँ हमने ये माना है कि डेंसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है. हो सकता है डेंसिटी भी चेंज हो रहा हो लेकिन रेडियस को हम क्या करें, चेंज कर दें, कॉन्स्टेंट रखें. तो उस सिचुएशन भी आप ध्यान से देखोगे तो जी ऑन एनी प्लानट क्या होगा, जी ऑन एनी प्लानट जो होगा डेंसिटी के अकॉर्डिंगली भी क्या होगा, लिनियरली क्या होगा, वैरी करेगा. समझ में आने, यहाँ हमने मान लिया कि रेडियस क्या है,
कांस्टेंट है। समझ में आया? अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि किसी भी प्लैनेट पे, जिसे जनरली आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जो मून पे जो जी का वैल्यू होता है वो अर्थ पे जी के वैल्यू का क्या होता है, 1/6 होता है। तो आप यहाँ से कंपेरिजन भी कर सकते हो। देखो यहाँ मैं यदि लिखूँ कि जी एट क्या होगा, मून, मून डिवाइडेड बाई क्या होगा जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, आइदर आप क्या करोगे इसको कंपेयर करो, आइदर वो वैल्यू लिख दो, किसी को लिख सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो रो मून, ठीक है, आर मून अपॉन क्या होगा रो अर्थ, आई मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू क्या होगा रेडियस ऑफ अर्थ। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो देखो जी वैल्यू रखोगे इज इक्वल टू क्या होगा जी अपॉन ए कितना आएगा, जी अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा 1/6 आता है नियरली, ठीक है। और यहाँ से जब आप जी मून पे लिखोगे, आई मीन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको माइंड में रखना चाहिए, 9th क्लास में भी पढ़ना था कि मून पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मून के सरफेस पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो 1/6 क्या होता है अर्थ पे होता है। आई मीन इसका वैल्यू यदि रख लो तो जी ऑन मून इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मीन 10/6। और आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 6-7 मीटर पर सेकेंड इसमें, ठीक है। तो कभी कभी जी का वैल्यू डेंसिटी के टर्म में भी पूछा जाएगा, तो आपको केवल एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि मास। अब देखो जब भी आप रिजल्ट देखो तो ये सोचो कि उसमें कौन कौन सा पैरामीटर दिया हो, मतलब है और कौन सा नहीं है। जो नहीं है उस पैरामीटर को, जो पैरामीटर के टर्म में दिया हुआ है उसके टर्म में अपने को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो ये डेंसिटी जी का वैल्यू किसी भी प्लैनेट पे आपसे पूछा जाए और वो प्लैनेट का डेंसिटी दिया हुआ हो, रेडियस ही, आप इवन अर्थ के प्लैनेट सॉरी सन के सरफेस पे भी लिख सकते हो जी का वैल्यू, प्रोवाइडेड कि क्या होना चाहिए, वहाँ आपको मास मालूम होना चाहिए, सन का मास, सन का रेडियस मालूम होना चाहिए, और ये जी का वैल्यू तो आपको मालूम ही है। तो आप आसानी से किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे क्या कर सकते हो, जी का वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, अब हम अर्थ के लिए देखेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पहला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करता हूँ कि वेरिएशन ऑफ, देखो फर्स्ट जो पॉइंट है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। जब भी मैं ये जी लिखता हूँ, जी इंडिकेट दैट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब तक क्या होगा अर्थ, ये याद रखना है, या ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है, जनरली पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये अर्थ, दिस इज अर्थ, अर्थ का मास हमने मान लिया एम ई, और मैंने बताया था कि अर्थ का जो मास होता है नियरली 6 × 10^24 kg होता है, ये बताया था। रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए 6400 किलोमीटर, ठीक है। जी का भी वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू है। अब आपसे पूछा गया है, ठीक है, यही अर्थ है। अर्थ के सरफेस पे आपको मालूम है कि जी का जो वैल्यू, जी हम ये जो मानते हैं, दिस इज नथिंग बट द जी एम ई अपॉन क्या होगा आर ई स्क्वायर, आई मीन अर्थ के सरफेस पे जो जी का वैल्यू होता है वो इतना होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ अर्थ के सरफेस से देखो एच हाइट से, एच हाइट है, ठीक है, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि जी एच, जी ऑफ एच का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलेरेशन, ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस,
ठीक है। अब देखो अर्थ का रेडियस क्या है, यही है, अर्थ का रेडियस क्या है, आर ही है जैसा कि मैंने लिखा है। अब ये देखो यदि आप स्मॉल आर की बात करो, जो रिजल्ट मैंने बताया था कि स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, स्मॉल आर क्या है यहाँ, कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है, उस केस में अर्थ जो है वो पॉइंट की तरह बिहेव करता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो देखो यही क्या है, दिस इज सेंटर, दिस इज सी, यहाँ से यही पॉइंट मान लो, यहाँ जी क्या है, जी ऑफ क्या है, एच, ठीक है, और ये वाला टोटल जो रेट वैल्यू है वो हमने मान लिया आर, और आर स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर ई प्लस क्या है, एच है, यहाँ टोटल मास हमने फिक्स कर दिया। ये आपको मालूम है कि फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड अर्थ विल बिहेव लाइक ए पॉइंट मास विच इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। अब किसी भी पॉइंट मास के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो आप क्या लिखोगे, देखो तो जी एट हाइट एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जी क्या लिखोगे, जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है सिंपल। अब आर के जगह बेटा क्या लिखोगे, आर के जगह आपको क्या लिखना है, आपको बेसिकली आर के जगह क्या लिखना है, ये वाला टर्म लिखना है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो एच के टर्म में आएगा कि अर्थ के सरफेस से एबव अप जाओगे तो जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, आपको यहाँ दिख रहा है कि कमी होगा, ठीक है। तो यहाँ ये देख सकते हो, तो जी एम ई अपॉन, देखो यहाँ ध्यान से, आर ई स्क्वायर प्लस, नहीं आर प्लस एच होल स्क्वायर, यहाँ से मैं एक कॉमन ले लेता हूँ, देखो यहाँ से आर ई कॉमन लेता हूँ क्योंकि मुझे जी से कंपेयर करना है, सरफेस पे जो जी है उसे कंपेयर करना है कि उसे ऊपर जाने पे जी का वैल्यू क्या होगा, तो पहले इस रिलेशन में स्मॉल जी का होना बहुत ज़रूरी है तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जी एम ई अपॉन क्या लिख रहा हूँ, आर ई द होल स्क्वायर वन प्लस एच अपॉन आर ई द होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहां हम लिख सकते हैं जी एट हाइट एच इज इक्वल टू क्या होगा, देखो जी अपॉन क्या होगा, वन प्लस एच अपॉन आर ई द होल स्क्वायर, ये जनरल रिजल्ट है कि अर्थ के सरफेस से कितने भी हाइट पे आपसे यदि जी का वैल्यू पूछा जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसमें वैल्यू रखो और आंसर आ जाए। देखो रटना कुछ नहीं है, केवल देखो कि हम इस रिजल्ट को ला कैसे रहे, ठीक है। तो ये जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि यहाँ देख लो कि इफ एच इक्वल टू क्या हो जाए, आर हो जाए, ठीक है। तो देखो जी एट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी बाई कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि इफ एच इज इक्वल टू क्या हो जाए, टू आर हो जाए, देन देखो जी ऑफ टू आर, ऑफ टू आर का मतलब क्या हुआ कि एच का वैल्यू रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जी वन प्लस क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जी बाई नाइन हो जाएगा। सिमिलरली हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट एच का वैल्यू रखेंगे और आसानी से क्या होगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम कुछ एजम्पशन कंसीडर करते हैं कि यदि एच बहुत ही छोटा हो, एच ऐसे सोचो कि 50 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर से कम हो, क्योंकि रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, जस्ट मैंने एक एजम्पशन कंसीडर किया है। तो अब यहाँ ये भी हो सकता है कि नाउ देखो, नाउ यहाँ अगला पॉइंट है कि इफ एच इज मच मच स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, आर ई, ठीक है। तो देखो वहाँ से आप लिख सकते हो जी ऑफ एच
इज इक्वल टू, देखो जी इंटू वन प्लस एच अपॉन, हम क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस टू। और यहाँ से हम बाइनोमियल थ्योरम, एक कॉन्सेप्ट पढ़े हो आप लोग कि वन प्लस एक्स के पावर क्या दिया हो, एन दिया हुआ, तो वन प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स होता है केवल इफ, यहाँ क्या हो, इफ एक्स मॉड ऑफ एक्स इज मच मच स्मॉलर देन क्या हो जाए, तो हम इतना लिख देते हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यदि यूज करें तो जी इज इक्वल टू क्या लिखा, वन माइनस टू एच अपॉन क्या लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ये रिजल्ट तभी हम यूज कर सकते हैं जब h का वैल्यू अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या हो, बहुत ही छोटा हो। आई मीन हाइट जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो नियरली क्या हो, 50 किलोमीटर के से कम हो या उसके राउंड हो, तब हम क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ से बेटा ये मालूम चला कि एज वी गो अप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिक्रीजेस एंड वाई से वर्सा। ये ध्यान रखना है कि दिस रिजल्ट इज ओनली यूज व्हेन एच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। यदि अर्थ के रेडियस में के रिस्पेक्ट में जी का वैल्यू यदि बहुत ही छोटा हो, आई एम सॉरी एच का वैल्यू बहुत ही छोटा हो, तभी हम इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे दिए हुए हैं, कई बार क्वेश्चंस इस पे आया हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तभी हम यूज करेंगे, याद रखना है आपको, एक कंडीशन याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट लिख देते हैं कि एज यहाँ सिंपल लिखता है एज इंक्रीजेस, ठीक है, जी डिक्रीजेस, जी ऑफ एच ऐसे लिख रहे हैं, जी ऑफ एच डिक्रीजेस एंड वाई से वर्सा, ठीक है। तो जैसे ही अर्थ के सरफेस से अप जाओगे, आई मीन हाइट बढ़ाओगे, वैसे वैसे जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है अपने को, सेकंड जो पॉइंट है, वेरिएशन, ये सब मैंने नाइन्थ क्लास में आई थिंक फाउंडेशन बैच में पढ़ाया था, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ के सरफेस से डेप्थ पे कैसे जी का वेरिएशन होता है, जैसे देखो दिस इज अर्थ, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ से डी डेप्थ पे, आई मीन डी डेप्थ पे यहाँ आपको क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर है और दिस इज रेडियस ऑफ द क्या है, अर्थ। और आपको ये मालूम है कि अर्थ यहाँ जो, ठीक है, अब मैंने ये बताया था, याद करो शायद रिजल्ट मैंने बताया था कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे, देखना ई एज ए फंक्शन ऑफ आर मैंने लिखा था, तो जो फॉर्मूला लिखा था क्या लिखा था, जी एम अपॉन आर क्यू आर व्हेन आर इज लेस देन इक्वल टू आर लिखा था। और यहाँ मैंने लिखा था जी एम अपॉन आर स्क्वायर कब, जब आर इज ग्रेटर देन आर, सही है। ये आर जो हमने कंसीडर किया, दिस आर इज कंसीडर्ड फ्रॉम द क्या होगा, सेंटर। और ई क्या है अर्थ के लिए, हम इसको क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, जी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यदि मान लूं कि जी डी, देखो जी डी का मतलब क्या हुआ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम अर्थ सरफेस,
ठीक है। तो सेंटर से ये है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो मैं ये लिखूँ जी आर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे लिखूँ तो क्या लिखूँगा, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। सेंटर से आर है, आई मीन यहाँ से हमने आर डिस्टेंस पे लिखा तो ए फील्ड मिला, तो यही हमने क्या माना है, देखो इसी को हमने क्या माना है, जी ऑफ डी माना है, ठीक है। तो हमने लिखा जी एम अपॉन आर क्यू। अब सेंटर से आर लिखो, या मैं बोलूं कि सरफेस से क्या लिखोगे, सरफेस से क्या लिखोगे, आर माइनस डी लिखोगे, ध्यान से देखना। नहीं हम एक, ठीक है, सरफेस से डी लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे आर लिखना है, यहां से देखो हम ये लिख सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डी प्लस आर इक्वल टू हम आर ही लिख सकते हैं, और आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर ई माइनस क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो यही क्या होगा, देखो यहाँ अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर ई, यहाँ आर ई लिख लो अर्थ के लिए, ठीक है, माइनस हम क्या लिखेंगे, डी। अगेन देखो अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होता है, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन क्या लिखोगे, आर ई स्क्वायर, सही है, यहाँ एम ई लिख लो, ठीक है। अब बहुत ही आसान है, देखो जी डेप्थ डी इज इक्वल टू क्या होगा, इसके जगह हम लिख सकते हैं, देखो जी इंटू, ठीक है, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, सही है। अब यहाँ से लिख सकते हैं जी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू जी इंटू क्या होगा, वन माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी d इक्वल टू r रख दो, d इक्वल टू r रखोगे तो कहाँ हो जाएगा सेंटर, d इक्वल टू जीरो रखो, ठीक है। तो सेंटर पे देखो g का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस से जब आप नीचे भी जाओगे तो क्या होगा, अर्थ के सरफेस से नीचे सेंटर की तरफ मूव करोगे तो जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा, कम होगा, सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन ये टर्म आप, ये रिजल्ट जो है वो डी के सरफेस से हम देख रहे हैं कि नेचर क्या होगा उसका वेरिएंस। यहाँ देखो हमने कोई कंडीशन यूज नहीं किया है, समझ में आया ना, हमने कोई कंडीशन यहाँ यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको किसी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ डी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इंटू वन माइनस डी अपॉन आर ई। डी क्या है, डी डेप्थ, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा ये जो रिजल्ट है आपको इसको याद रखना है, ठीक है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो कि एज डी क्या होगा, आप दो पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, ये ध्यान देना, ये रिजल्ट क्या है, यूनिवर्सल, आप कभी भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई डी पे यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं नोट में, नोट में हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि इफ क्या होगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई, देन देखो देन जी एट डेप्थ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, समझ में आया ना। आई मीन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी का जो वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आई मीन वहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो उसका जो एम जी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह लिख सकते हो आप कि इफ d इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, आई मीन क्या होगा, एट या दैट इज ऑन द सरफेस, सरफेस, तो देखो g ऑफ d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि s, देखो d इंक्रीजेस, ठीक है, जी ऑफ डी क्या होगा, डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है बेटा। तो डेप्थ के अर्थ के सरफेस से नीचे भी जाओगे
तो जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऊपर भी जाओगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और इस पर न्यूमेरिकल्स भी, अब देखो आज मैं जी पढ़ा रहा हूँ, तो आज का लेक्चर देखने के बाद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जितने सम्स दिए हुए हैं, जो मॉड्यूल दिया हुआ है उस पर आपको सॉल्व करना चाहिए, और जो नहीं आ रहा है उसको आपको पूछना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ड्यू टू अगला जो पॉइंट था सी, जो पॉइंट है क्या है, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप एंड क्या होगा, साइज ऑफ अर्थ। ठीक है, समझ में आया। अब देखो आइडियली हम क्या मानते हैं कि अर्थ है वो स्फेरिकल है, अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, लेकिन अर्थ स्फेरिकल नहीं है, इलिप्टिकल शेप का है। आई मीन आप जानते भी होंगे आप लोग कि देखो ये अर्थ का जो कुछ इस टाइप का शेप होता है। ठीक है, अर्थ का जब शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज, देखो ये इसको बोलते हैं इक्वेटर, और दिस इज कॉल्ड पोल। ठीक है, तो ये देखा गया, यदि मैं इसको कंसीडर कर लूं कि दिस रेडियस आर पी, रेडियस ऑफ अर्थ ए पोल, और दिस रेडियस इज क्या होगा आर ई, आई मीन रेडियस एट इक्वेटर, ई लिख रहा हूं, नहीं तो आप समझ जाओगे कि अर्थ। ठीक है, तो ये देखा गया कि इक्वेटर पे जो इक्वेटोरियल रेडियस जो होता है वो पोलर रेडियस से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि आर ई का जो वैल्यू होता है, क्या आर ई का जो वैल्यू होता है वो नियरली क्या होता है, आर पी से क्या होता है, 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। समझ में आया, क्या होता है, कितना, 21 किलोमीटर। ठीक है, कि इक्वेटोरियल रेडियस जो होता है वो पोलर रेडियस से कितना ज़्यादा होता है, 21 किलोमीटर होता है। अब यदि मैं मान लूँ, देखो यहाँ दो पॉइंट मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि जी एट पी इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से कि जी एट पी क्या होगा, आई मीन जी एट पोल मैं ये लिख रहा हूँ, इक्वल टू जी एट पोल। ठीक है, और जी ई का मतलब ये होता है कि जी एट क्या होगा, एट इक्वेटर। ठीक है, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, देखो जी एट पोल जो होगा वो क्या होगा, जी एम मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये वाला रेडियस आर पी स्क्वायर। ठीक है, और जी एट इक्वेटर जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, जी एम ई एट क्या लिखोगे, आर ई लिखोगे, आर ई द होल स्क्वायर। यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से ही हम बोल सकते हैं कि बिना कैलकुलेशन का, कि आपको ही मालूम है कि जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेडियस स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अफकोर्स आर ई जो है क्या है, आर ई क्या है, आर ई जो है आर पी से क्या है, बड़ा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जी ई इक्वेटर इज लेस देन क्या होगा, जी एट पोल। ये हम आसानी से बोल सकते हैं। समझ में आई बात, कि देखो ये जी एम ई सेम है, यहाँ भी सेम है, आर पी आर ई क्या है, यहाँ लिखा हूँ कि आर ई जो है वो आर पी से क्या है, ज़्यादा है, तो अफकोर्स जी जो होगा वो जी पी से क्या होगा, कम होगा। समझ में आया ना, तो ये मालूम चल गया कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज ऑलवेज लेस देन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट क्या होगा, पोल। और जो हम जी लिखते हैं, याद रखना बेटा, जो हम जी लिखते हैं, जी का जो वैल्यू होता है वो जी एट पोल प्लस जी एट इक्वेटर बाई हम क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। आई मीन उसका पोल और इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू होता है उसका एवरेज वैल्यू ही जी होता है, और ए जी कितना होता है, द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होता है, 9 क्या होता है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली एवरेज वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। समझ में आई बात आपको, ठीक है, ये समझ में आया।
तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और मैं मॉडिफाई करता हूँ, बाद में मैं बताऊंगा कि पोल पे जो जी का वैल्यू होता है उसी को हम क्या मानते हैं, जीपी इक्वल टू हम क्या मानते हैं जी, आगे हम मैं प्रूफ करूंगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि देखो जीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर पी स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो, इसको ध्यान से देखो कि अब मैं जी एट इक्वेटर लिखूँ तो क्या लिखूँगा, देखो ध्यान से, जी एम ई अपॉन आर पी प्लस 21 किलोमीटर द होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी एम ई अपॉन आर पी स्क्वायर इंटू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ देखो, क्योंकि ये बहुत छोटा होगा, 1 प्लस 21 अपॉन क्या हो जाएगा, आर पी के पावर -2, सही है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है यहाँ से देखो। तो जी, क्योंकि ये आपको मालूम है कि आर पी के रिस्पेक्ट में 21 किलोमीटर जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ कि आर पी इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, 21 किलोमीटर। अब यहाँ आप लिख सकते हो देखो जी एम, इसको मैं लिख सकता हूँ जी, ठीक है, इंटू 1 माइनस, ठीक है, 42 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर पी, ठीक है, समझ में आया, अरे ये समझ में आया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो कि जी एट ई इज इक्वल टू क्या होगा, जी माइनस 420 अपॉन क्या हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं इनटू, ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है, उसका एग्जैक्ट मैं वैल्यू मैं लिखता हूँ क्योंकि वो तुमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो, मैंने जी लिखा है, तुमको लग रहा है तो देखो, ये बाद में तुमको मालूम चल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जी पी भी लिख सकते हो। तो ये जो वैल्यू लिखते हैं, ये आई मीन यदि हम ये इसको लिखें, जी पी भी लिखते हैं, इसको जी पी या जी जो भी लिखना है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक ये ऐसे आता है इसका वैल्यू, जी ई इज इक्वल टू जी पी माइनस 0.02 क्या आएगा, 0.02, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, डायरेक्ट तुमको ये रिजल्ट याद रखना चाहिए कि अब ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 0.02। ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से क्या है पोल की तरफ जा रहे हैं, जी का वैल्यू क्या है बढ़ रहा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पोल पे ही जी का वैल्यू होगा, ठीक है, क्या है, पोल पे ही जी का वैल्यू, इसको ये मत लिख लो, ठीक है, ये क्योंकि हमने यहाँ बोला है कि हम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो इससे मत लेना, ठीक है, ये ध्यान लगे, लेकिन वो 9.8 ही आता है जनरली नियरली, लेकिन एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो ये जी जो होता है दोनों का क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। तो शेप एंड साइज की वजह से भी क्या होगा, जी का वैल्यू देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, स्लाइटली डिफर करता है। अब जो अगला पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि अगला जो पॉइंट है वो वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, अपने एक्सिस के अबाउट अर्थ के रोटेशन की वजह से जी का वैल्यू कैसे चेंज होगा उसके बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो दिस इज अर्थ,
ठीक है। और अर्थ जो है ये अर्थ का एक्सिस है और अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने बताया। देखो दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पोल, ये क्या होगा पोल, और दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, और आई मीन ये दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। अब यहाँ कोई पॉइंट पी है, यहाँ से देखो जो एंगल होता है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड, ये लैम्डा है, इसको हम क्या बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। अब मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ जी का वैल्यू क्या होगा, देखो रोटेशनल की वजह से क्या होता है, रोटेशनल मोशन की वजह से जो नेट जो जी होता है, आई मीन जी का जो वैल्यू होता है वो सेंटर की तरफ नहीं डायरेक्ट होकर के अलग तरह से क्या होता है, अलग पॉइंट की तरफ क्या होता है डायरेक्टेड होता है, इसलिए जी का वैल्यू क्या होता है चेंज होता है, ठीक है। आई मीन यहाँ बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, मैं रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने ये लिखा जी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा एक्सेलरेशन, ये प्रूफ सब हर बुक में दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड लैम्डा। लैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ, इक्वेटोरियल प्लेन से इस पॉइंट को लाइन करने वाला जो ज्वाइंट जितना एंगल फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, अब जो जी लैट देखो जी लैम्डा जो होता है उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जी, ठीक है, माइनस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर ई क्या होगा कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी मैं बता दूँ इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है इस रिजल्ट पे, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है, क्या है कॉस स्क्वायर क्या है लैम्डा, ठीक है, क्या है कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो जी लैम्डा इक्वल टू क्या होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। अब देखो यहां से कि अब यदि आप इक्वेटर की बात करोगे, देखो बहुत सारे पॉइंट भी यहाँ पूछा जाएगा कि एट, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एट, नोट में पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, एट पहला पॉइंट एट इक्वेटर, इक्वेटर दैट इज, देखो तो इक्वेटर के लिए लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और इसको हम जी लिखेंगे, अभी मैंने बताया था जी, तो देखो जी इक्वेटर क्या हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा आर ई हो जाएगा, ये बात समझ में आया, तो ठीक है जी एट इक्वेटर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर ई। यहाँ से आपसे पूछा भी जा सकता है कई बार, मान लो कि सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम को आपने इक्वेटर पे रख दिया, तो ये भी हो सकता है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट ही नहीं करे, ऑसिलेट नहीं कब नहीं करेगा जब जी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, या ऐसे हो कि मान लो कि आप हो आप इक्वेटर पे चले गए और आपसे पूछा जाए कि अर्थ को कितने एंगुलर स्पीड से रोटेट करा दिया जाए कि आपका वेट जो है इक्वेटर पे जीरो हो जाए, तो आप यहाँ से देखो वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट, जहाँ भी आपसे या एट ऑन द एनी सर्फेस पूछ जिस सर्फेस पे आपसे पूछा जाए, तो जी इज इक्वल टू क्या होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा आर। तो यदि मैं ये बोलूँ कि इफ जी ई
आई मीन जी एट इक्वेटर क्या हो जाए, जीरो। यहाँ से देखो तो ओमेगा स्क्वायर आर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अपॉन आर ई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जी अपॉन 6400 इंटू 10^3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 6400, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/800 रेडियन पर सेकेंड। और इसको आई थिंक ऐसे भी लिख सकते हो 1.25 इंटू 10^-3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको मालूम है कि यदि इस एंगुलर स्पीड से हम अर्थ को रोटेट करा दें तो जी का जो वैल्यू होगा इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इक्वेटर पे जी का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तो आपको ही मालूम है कि वहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका वेट ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी जो होगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आ रही है। और सबसे अर्थ के सरफेस से पूछा जाए क्या है, अभी ये भी कभी कभी पूछा जाए कि व्हेन अर्थ विल स्टॉप इट्स रोटेशन देन एट व्हाट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी विल गेट चेंज। समझ में आया ना? तो हर जगह क्या होगा ये बाद में मैं बताता हूँ। अब देखो, जब हर जगह इक्वेटर पे तो जी चेंज ही हो जाएगा यार। जब पोल लिखोगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90° हो जाएगा। और यहाँ से देखोगे कि जी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, आई मीन ए टर्म जीरो हो जाएगा और जी एट पोल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये भी कभी कभी पूछा था। याद रखना है कि यदि अर्थ जो है इस, और ये भी मैं बता दूँ, ये जो ओमेगा होगा आपको मैं बता देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 17 टाइम्स क्या हो जाएगा, ओमेगा ई। इसको यदि मैं ओमेगा डैश मान लूँ, ठीक है, समझ में आया ना? तो ये आपको दिख रहा है कि इफ अर्थ विल स्टार्ट रोटेटिंग 17 टाइम फास्टर देन इट्स प्रेजेंट एंगुलर स्पीड देन एनी ऑब्जेक्ट देन वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इक्वेटर विल बी क्या होगा, जीरो। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेटलेस का कंडीशन बोलते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होगा वेट का, वो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि अर्थ का एंगुलर स्पीड कितना होना चाहिए, 17 टाइम फास्टर देन प्रेजेंट एंगुलर स्पीड होना चाहिए। समझ में आया ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसको नोट कर लेना। समझ में आया? अब देखो और भी मैं, अच्छा हाँ, इसको हमने ये कर दिया, ठीक है, इसको रहने तो ऐसे ही, थोड़ा समझ में आएगा। तो यही एक्सिस है और दिस इज पोल। अब जी एट पोल लिखे, सेकंड पॉइंट देखो, ठीक है। अब मैं बोलूं कि एट पोल, तो पोल पे क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 90° हो जाएगा और जी एट पोल इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल जी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी एट पोल विल बी इक्वल टू क्या होगा, सिंपल जी हो जाएगा। आई मीन इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ यदि रोटेट करना बंद कर दे, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ जी विल चेंज एट ऑल पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सेप्ट इट्स पोल। समझ में आया ना? ये नोट में आपको क्या करना है, लिख लेना है बेटा, ठीक है, कि यहाँ देखो जी पी इक्वल टू क्या हो गया, जी हो गया, आई मीन ओमेगा से क्या हो गया, इनडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ, ठीक है, कि नोट में मैं लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अर्थ विल स्टॉप rotating about its own axis, then the क्या होगा, value of g will get changed
everywhere on the surface of earth. Earth except pole. ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें. ठीक है, अब देखो, तो अभी हमने देखा क्या देखा, देखो इधर अब कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं. बस इतना था वेरिएशन के बारे में. इसके बाद हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो इम्पोर्टेंट है, और फिर अब देखो अभी ये नोट में ये पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट देखो बेटा, अभी मैंने लिखा था दूसरा पॉइंट देखो, कहीं भी पूछा जा सकता है कि इफ देखो इफ लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री. ठीक है, देन देखो जी एट 60 डिग्री कितना होगा बेटा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई इंटू कॉस स्क्वायर 60, और ये कितना होगा जी माइनस क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर आर ई बाई क्या हो गया 4. ठीक है, समझ में आया क्या हो गया 4 हो गया. इसको और भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. देखो इसका वैल्यू रखोगे तो मालूम चल जाएगा. उसी तरह हम यदि देखें अगला पॉइंट, इफ लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाए 30 डिग्री हो जाए. मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. और मैक्सिमम कहाँ होगा, तो आपसे कोई पूछे कि जी का मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा, तो इक्वेटर पे. मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, पोल पे होगा. ये मैं बता रहा हूँ. तो लैम्डा इक्वल टू 30 डिग्री रखोगे तो देखो जी 30 कितना होगा, जी माइनस ठीक है 3 ओमेगा स्क्वायर आर ई बाई क्या हो गया आपको. ठीक है, ये डिफरेंट लैटिट्यूड पे मैंने क्या किया, जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. तो यहाँ से ये पॉइंट मालूम चल रहा है कि एस देखो ध्यान से, एस लैम्डा इंक्रीजेस जी जो होगा वो क्या होगा इंक्रीजेस एंड वाई से वर्सा. ठीक है, उसके बाद तुमसे कोई पूछे कि जी मैक्स कहाँ होगा, तो जी मैक्स कितना हो जाएगा जी, और एट कहाँ होगा एट पोल. ठीक है, जी मीन कहाँ होगा, जी मीन कहाँ होगा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई. ठीक है, एट कहाँ हो जाएगा एट इक्वेटर. तो जी का जो वैल्यू होगा याद रखना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है जी पी आई मीन, और मिनिमम कितना हो सकता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई. इसी के बीच क्या होगा, अर्थ के सरफेस से क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होगा, इसी के बीच लाई करेगा. समझ में आया बेटा. तो ये तुमको क्या करना है, ये जी से लेटे एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं, नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा. तो डायरेक्ट मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूँ. ठीक है, तीसरा पॉइंट ये भी लिख लेना, मैंने इसको कैलकुलेट किया है. ठीक है, कि याद रखना कि जी एट लैम्डा, ये भी नोट कर लेना. ठीक है, इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 0.337 कॉस स्क्वायर क्या होता है लैम्डा होता है. आई मीन इससे ये मालूम चल रहा है तुमको, ये समझ में आया कि ये जो वैल्यू है वो क्या है. मैं लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर आर ई अपॉन जी का जो वैल्यू होगा नियरली कितना होगा 0.337 होगा. समझ में आया ना, ये वहाँ से मैंने वैल्यू लिखा है, नंतर लेता हूँ वहाँ से. ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और है, उसको मैं लिख देता हूँ. और बस हो ही गया, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है. ठीक है, आपसे वेरिएशन पूछा जा सकता है,
तो अब देखो यहाँ से एक पॉइंट और लिख सकते हो कि डेल्टा जी आई मीन क्या होगा, जी पी माइनस जी ई इज इक्वल टू रखोगे ये कितना आता है देखो 0.05 आता है। अब ये जो 0.05 होता है इसमें ये दो पॉइंट से मिल करके बना होता है, एक तो ये क्या होगा 0.03 और दूसरा जो होगा वो क्या होगा 0.02। तो ये याद रखना दिस इज आई मीन रोटेशनल मोशन के वजह से जो जी में वेरिएशन होता है वो इतना होता है। ये जनरल मैंने लिख दिया कि जनरल डेल्टा जी आपसे कोई पूछे आई मीन पोल और इक्वेटर के बीच जी का वैल्यू होगा तो नेट कितना आता है इतना, ठीक है। तो दिस इज क्या होगा ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ड्यू टू रोटेशन ये लिख लो, ड्यू टू रोटेशन और ये क्या होगा ड्यू टू शेप एंड साइज। आई मीन रोटेशनल मोशन के वजह से जो जी में वेरिएशन होता है वो कितना आता है, ठीक है 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है लिखना भी चाहिए चाहो नहीं। और शेप के वजह से कितना कंट्रीब्यूशन होता है 0. ठीक है 0. क्या होगा 0.02 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये रहा वेरिएशन ऑफ जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में अभी मैंने बताया, इससे अलग कुछ नहीं है। अब आपका काम क्या है इस पे आपको क्या करना है प्रैक्टिस कर लेना है बेटा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा क्लियर होगा, समझ में आई बात। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे सैटेलाइट आई मीन ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट और फिर लास्ट में हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, ओके थैंक यू।